पितातुल बुजुर्ग लोग इस पावन भूमि को पवित्र करने वाली माता एवं बहने, आज इस भगवान की पावन में ही कथा को चलते हुए पांचवा दिवस है। पांचवें दिवस की वेला में उपस्थित समस्त पांडाल में भक्तजन बड़े ही प्यार से भगवान की पावन में ही कथा को सुन रहे हैं। हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर बैठे श्री व्यास नंदन सुखदेव उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। राजा आज की कथा जो है बड़ी ही पावन है। किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था मथुरा की जेल,
भगवान इस भूतल पर आए, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया उन्होंने। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बोलिए कन्हैया लाल की। अभी आप लोग बड़ी ही पावन कथा सुन रहे थे भैया जी के मुखारविंद से। परीक्षित महाराज का एक ही कथा सुनी थी भगवान राम राम शादी वादी हो गई कि ना व्यापारी हो गई तो सही। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था मथुरा की जेल में। और कहते हैं भगवान इस भूतल पर क्यों आए, किस लिए आए? बताया जाता है जब भगवान के भक्तों पर कष्ट होता है तो भगवान इस भूतल पर अवतार धारण करते। जब जब होए धर्म की हानि और बाणे सुरदम अभिमानी तब तब धर प्रभु विविध शरीरा और हरे नाथ संकट सम पीड़ा। भगवान इस भूतल पर अवतार धारण करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस धरती में से पाप मिटाने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए। मथुरा में एक बड़े सुंदर राजा राज करते थे जिनका नाम था महाराज उग्रसेन। एक उनके भाई थे जिनका नाम था देवक। महाराज उग्रसेन की पत्नी है जिसका नाम है पवन रेखा। लेकिन परेशानी सिर्फ वही है, महाराज के घर में भी कोई पुत्र नहीं हुआ। और जब कोई संतान नहीं, महाराज बहुत दुखी है बेचारे। घर में पत्नी भी परेशान है, आंगन में बैठ जाती है, मन में विचार करती है, प्रभु कितनी खोटी किस्मत है हमारी जो तुमने हमें एक संतान नहीं दी। आगरा में बैठ के प्रभु से प्रार्थना करती है वो मैया। तकदीर बनाने और बार